निहाल अहमद साहब एमएलए रहे, शेख रसीद साहब एमएलए रहे, सब्बीर सेठ एमएलसी रहे, मैं एमएलए रहा। हम लोग सियासी लोग रहे, सियासी घराने से रहे, वर्करी की बाबाए सियासत हारून अहमद अंसारी साहब की क्यादत में, उनकी क्लास में कई लीडर निकले, कई वर्कर निकले, लीडर बने, एमएलए बने, मेयर बने, सदर बल्दिया बने। जेटी से ही सब लोगों का सियासी सफर शुरू हुआ, इसीलिए उनको बाबाए सियासत कहा गया। और निहाल अहमद और शेख रसीद साहब, निहाल अहमद साहब और शेख रसीद साहब 2007 से पहले, निहाल अहमद साहब के बीच मुकाबला रहा, शेख रसीद साहब के बीच रहा, ये दोनों शहर के लीडर रहे हैं। आज दुनिया में दोनों से नहीं है। 2007 में ये मंच पे बैठे हुए लोग गवाह है, ये शहर की आवाम गवाह है कि 2007 में तीसरे महास की बुनियाद रखी गई। तीसरा महास आज के एमएलए साहब के क्यादत में बनाया गया, और इसके लिए बनाया गया, निहाल अहमद भी नहीं चाहिए और शेख रसीद भी नहीं चाहिए, ये दोनों क्यादत नहीं चाहिए, इसके लिए तीसरा महाज और तीसरी क्यादत शहर को जरूरत है, इसके लिए बनाई गई। और उस वक्त निहाल अहमद साहब भी और शेख रसीद साहब के ऊपर भी इल्जाम लगाए गए कि ये सियासत अच्छी नहीं करते, ये तामीरी काम नहीं करते, ये करप्शन करते, ये पार्टियों को चलाने के लिए रुपया पैसे की रेल फेल करते, साफ सुथरी सियासत नहीं करते। इस तरीके का एक हवा खड़ा किया गया शहर के अंदर, और तीसरे मास की बुनियाद रखी गई। आज हमारे मीटिंग के सदर उस वक्त तीसरे मास के फाउंडर थे, बुनियादी मेंबर थे। नया पूरा वार्ड से कितने लोग थे, यासीन बागला साहब थे बुनियादी मेंबर, सबसे पहले पैसा भी उन्होंने लगाया, पैसा भी लगा, पैसा भी उन्होंने सबसे पहले लगा। मौलाना अय्यूब कासमी ये भी बुनियादी मेंबर थे, यासीन मेट्रो साहब ये भी बुनियादी मेंबर थे, एजाज उमर साहब ये भी बुनियादी मेंबर थे, शफीक मेडिकल वाला साहब ये भी बुनियादी मेंबर थे, इकबाल कुरैसी सर ये भी बुनियादी मेंबर थे, और मौलाना इरफानुद्दीन कासमी साहब भी बुनियादी मेंबर थे, अब्दुल खालिक फारकलित साहब, हाफिज अनीस अजहर साहब, शकील खलीफा साहब, मुख्तार भिक्कू साहब और हाजी यासीन इसाक मुंशी साहब, साबिर मुंशी साहब। ये नया पूरा वार्ड के, नया पूरा इतराफ के तीसरा महाज बनाने के लिए बुनियादी मेंबर थे। बाकी शहर से अलग अलग इलाकों के अंदर बहुत मेंबर थे। तीसरा महाज बना, एजेंडा क्या था, तीसरे महाज की पॉलिसी क्या थी, क्या पॉलिसी थी, साफ सुथरी, साफ सुथरे किरदार के लोगों को सियासत में लाना। बात समझ लो, मैं आज इस नया पूरा इलाके के अंदर, मैं इस नया पूरे की आवाम से और ये शहर की आवाम से मेरा सवाल है, फैसला शहर की आवाम को करना है, मीडिया के साथी ये आवाम तक बात को पहुंचाएंगे, इनको भी फैसला करना है, क्या एजेंडा था, क्या पॉलिसी थी,
कि साफ सुथरे किरदार के लोगों को सियासत में लाना, नंबर एक। नंबर दो, हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है, लेकिन उसके बावजूद वादा किया गया हमारे मस्जिद और मीनारों के शहर से, अच्छी बात है, वादा किया गया था, उसके लिए कोई इतराज नहीं। नंबर दो, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अनु की खिलाफत की तरीके पर सियासत करना, यह भी शामिल था। नंबर तीन, म्युनिसिपल खजाने को बैतुल माल का दर्जा देना, यानी बैतुल माल की हिफाजत करना, यह भी मिशन में था। नंबर चार, तामीरी कामों की क्वालिटी, काजू बादाम बोलते थे याद आएगा आपको, साथ में काम की क्वालिटी लेंगे, यह भी मिशन में था। और टिकट के लिए, कॉरपोरेशन के टिकट के लिए, ओदे के लिए कोई रुपये का लेन देन नहीं होगा, यह भी पॉलिसी में था, यह भी आवाम के सामने इन्होंने वादा किया था। और ठेकेदारी और कमीशनखोरी नहीं करेंगे, यह भी वादा था। और ऐसे बहुत सारे वादे ये शहर की आवाम से किए गए थे, कमीशनखोरी करप्शन इसका भी वादा था। 2007, मेरा सवाल सबसे पहला तो यह है कि यह तमाम ही पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो बुनियादी मेंबर थे, जो आज मंच पे बैठे हैं, कुछ लोग मंच पे नहीं है, कुछ लोग दुनिया छोड़कर चले गए, आज शहर के एमएलए साहब ये जवाब दे आप कि ये मेंबरान आपके साथ क्यों नहीं है, आपके मंच पे क्यों नहीं है, आपका साथ आज तक इन्होंने क्यों नहीं निभाया, क्यों आपको छोड़कर चले गए, इसका जवाब आप लोगों को पूछना चाहिए, नए पूरे की आवाम को पूछना चाहिए कि ये लोग क्यों साथ में नहीं है, क्या हुआ, ये जो वादा किया गया था क्या हुआ इसका। अगर सबसे शुरुआत कही हुई एजाज उमर साहब, निहाल अहमद साहब के साथ आपने काम किया, आप निहाल अहमद साहब की पार्टी से आप कॉरपोरेटर रहे, मुझे बताइए क्या निहाल अहमद साहब कभी टिकट का पैसा लिया करते थे क्या, क्या शेख रशीद साहब कभी टिकट का पैसा लिया करते थे क्या। तीसरे महज की बुनियाद डाली गई, वहीं से करप्शन शुरू हुआ, वहीं से अप्सरा के अंदर बैठकर रूम नंबर एक के अंदर टिकट का पैसा वसूल करने का काम किया गया। यह गलत होगा तो आप मुझको रोक सकते हैं तकरीर करने से, उस वक्त कम पैसा लिए मानता हूं मैं, कब कम करप्शन किया गया। उसके बाद स्टैंडिंग का चेयरमैन आपने किसी को अगर बनाया तो आपने चेयरमैन बनाने का बड़ा लाखों रुपया आपने लिया, 50 लाख 35 लाख का आपने सौदा किया और वो चेयरमैनी किसी पैसे और रुपये वालों को दी। आज अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, यासीन मेट्रो साहब, नया पुणे की आवाम की ख्वाहिश थी, शहर की ख्वाहिश थी कि एक बुनकर मेयर बनना चाहिए, यासीन मेट्रो साहब ने तैयारी की, पार्लियामेंट्री बोर्ड के अराकीन उनके साथ थे, नया पुणे की आवाम उनके साथ थी, शहर का बुनकर उनके साथ था, और वो उनकी दिली ख्वाहिश थी, सबको उन्होंने बुलाए बैठाए कि मुझको मेयर बनाओ। क्यों मेयर नहीं बनाया गया, क्यों नहीं मेयर बनाया गया, वो ईमानदार थे, वो करप्शन नहीं करना चाहते थे, वो ओहदे के लिए पैसा नहीं देना चाहते थे, इसके लिए उनको मेयर नहीं बनाया गया ना। उनकी ख्वाहिश थी कि स्टैंडिंग चेयरमैन बनाया जाए मुझको, उन्होंने अव्वल ऐलान कर दिया कि मैं स्टैंडिंग चेयरमैन बनूंगा,
उनको उनके साथ इतना बड़ा धोखा दिया गया कि उनको स्टैंडिंग का मेंबर ही नहीं बनाया गया था। मुझे याद है उस बात, मैं मेंबर था उस वक्त। इसीलिए ना कि रुपया पैसा नहीं दे सकते थे, साफ सुथरी क्या लोगों को टिकट देंगे? कौन से साफ सुथरे लोग थे 2007 से आज तक जितने इन्होंने टिकट बांटे? मुझे बताओ, यादी लेकर आप बैठो नयापुरे की आवाम, बैठिए शहर की आवाम, और आप लोग फैसला करना कि कितने साफ सुथरे किरदार के लोगों को इन्होंने टिकट दिया। मैं जिम्मेदारी से बोलता हूं, 70% लोगों के ऊपर दाग लगा हुआ था, करप्शन का भी अलग अलग केसेस थे, उसके बाद उन लोगों को टिकट दिया गया क्योंकि उन्होंने पैसा दिया था। कौन से टीचर को इन्होंने दिया? बोला गया था हम टीचरों को देंगे, डॉक्टरों को देंगे, आलिम को देंगे, एक को भी टिकट नहीं दिया इन्होंने, नहीं टिकट दिया। ये पैसा नहीं दे सकते थे, करप्शन की शुरुआत वहां से हुई। अम्मार जब ये एमएलए बने, तीसरा महाज बना, अम्मार साथ में घूमने लगा, एमएलए बने, उसके बाद अम्मार जाके उससे पूछिए, स्टैंडिंग कमिटी की मीटिंग चालू रहती थी, अंदर मीटिंग चलती थी, बाहर आके बैठ जाता। एमएलए साहब ने भेजे हिस्सा लेने के लिए, हिस्सा कितना पैसा आ रहा है हमको हिस्सा दो। करप्शन की शुरुआत की इन्होंने। बैतुल माल की हिफाजत आज हो रही है क्या? बैतुल माल की हिफाजत, बैतुल माल कॉरपोरेशन का बैतुल माल की हिफाजत करने आप गए थे, आज बैतुल माल की हिफाजत हो रही है क्या? आज हमारे नदी के इस बाजू का इलाका आप देखिए, सेंट्रल असेंबली हल्का आप लोग देखिए, आज कितना बदतर हालत के अंदर है। आज रास्ते अच्छे नहीं है, आज जब आप मौसम पुल के उधर जाओगे उसके बाद हर रोड आपको कंक्रीट रोड मिलेगा, सीमेंट का रास्ता मिलेगा, सर्कल मिलेगा, डिवाइडर मिलेगा, जॉगिंग ट्रैक मिलेगा, गार्डन मिलेगी, लाइब्रेरी मिलेगी। ये 2 सालों के अंदर पूरी कॉरपोरेशन को लूटने का काम किया गया, इनकी जिम्मेदारी थी उसके ऊपर रोक लगाने की, इन्होंने नई रोक लगाई सिर्फ चंद पैसों के लिए, चंद फंड के लिए। ये मंत्री के साथ साठगांठ इन्होंने की, ये क्या है? ये शहर की आवाम ने उनसे सवाल करना चाहिए। मुझे बताओ, शेख रशीद साहब नहीं, निहाल अहमद साहब नहीं चले गए, तीसरी क्यादत आई, बुनियाद तीसरे मास की डाली गई, क्या बदलाव आया शहर में? कौन सा बदलाव आया शहर में? राजकरण का, सियासत का और खराबा हुआ, करप्शन बढ़ा, टिकट में करप्शन बढ़ा, भ्रष्टाचार बढ़ा, ठेकेदारी बढ़ी, टक्केवारी बढ़ी, कमीशन खोरी बढ़ी, सिर्फ इनके आने से बढ़ी। और इन हर इलेक्शन में जिन जिन लोगों को इन्होंने टिकट दिया उन लोगों ने टक्केवारी दी, कमीशन खोरी की, ठेकेदारी की, यही काम चलते आए और आज भी चल रहा है, आज भी चल रहा है। अगर बदलाव आया होगा 2007 से आज, अगर बदलाव आया होगा तुम बता दीजिए हम लोगों को, बता दीजिए शहर की आवाम को, मुशारे चौक पर जलसा लेकर आप बताइए कि ये मैंने बदलाव लाया, बता दीजिए आप क्या बदलाव आपने लाया। आप अपने जाति मुफाद के लिए मिले बने, आप अपने जाति मुफाद हासिल करने के लिए मिले बने, आज उस वक्त से लेकर आज तक आपने अपना फायदा सोचा, अपने परिवार का फायदा सोचा, आपने नयापुरे का फायदा नहीं सोचा, आपने शहर की आवाम का फायदा नहीं सोचा, आपने शहर के बुनकरों का फायदा नहीं सोचा, आपने मजदूरों का फायदा नहीं सोचा, आपने मां बहनों से वादा किया वो वादा आपने नहीं पूरा किया, उनका आपने नहीं सोचा,
आपने किसी का नहीं सोचा, सिर्फ अपना जाति मुफाद हासिल किया। मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। आप लोग 2000 पहले से माजी में जाइए, जाइए माजी में, देखिए उनका रहना सहने का तरीका। मैं कोई उनकी पर्सनल अटैक नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर किसी ने वादा किया था तो यह वफा हुआ, उसके ऊपर वो पूरा उतरे, इसके लिए मैं सिर्फ आपकी नजर वहां तक ले जा रहा हूं। देख लीजिए, कोई फर्क नहीं आया। सियासत के अंदर अलग अलग बातें होती है, एक दूसरे के ऊपर इल्जामात होते हैं, लगते हैं इल्जामात, बाद में भुला भी देते हैं, मिल भी जाते हैं। मुझे बताओ, शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मुझे याद दिलाना आज मैं जरूरी समझ रहा हूं, निहाल अहमद साहब के, शेख रशीद साहब के सियासी नजरती इख्तलाफ रहे, आखिरी तक रहे। सियासत होती, हार जीत होई, लेकिन शेख रशीद साहब ने कभी भी मंच से, स्टेज से निहाल अहमद साहब की कभी भी बेइज्जती नहीं की। यह शहर इस बात का गवाह है। आप देखिए, 9 का इलेक्शन में, 7 के इलेक्शन में, आप देखिए कॉरपोरेशन या असेंबली के इलेक्शन के अंदर निहाल अहमद साहब की बेइज्जती करने का काम भी इसी नयापुरे के एमएलए साहब ने किया है। मुझे तो ताज्जुब होता है, बहुत ताज्जुब होता है। बुलंद इकबाल साहब, अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे, वो उनके साथ 19 के इलेक्शन में चले गए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर मेरे वालिद की बेइज्जती किया, जो शहर के नहीं महाराष्ट्र के कद्दावर नेता थे, अपोजिशन लीडर थे, दबदबा उनका था, इनको हक नहीं है समाजवादी वालों को बोलने का, शान हिंद को बोलने का हक नहीं है, मुस्तकीम को बोलने का हक नहीं है कि दबदबे की सियासत। तुम आज जो दबदबे की सियासत बोलते, वो तुम्हारे वालिद तक वो महदूद थी। उस वक्त तुमने 2019 के उनके स्टेज के ऊपर जाकर दबदबे के तुमको हक नहीं है बोलने का। अगर तुम्हारे वालिद की वो शख्स ने, मुफ्ती इस्माइल साहब ने बेइज्जती की, उसके बाद आप उनसे क्या सवाल करते, दबदबी बात बोलते। उसके बाद भी निहाल अहमद साहब की बेइज्जती हुई, स्टेज पे चले गए, उसके बाद कॉरपोरेशन के अंदर गठबंधन कर लिया, तो भी इनको निहाल अहमद साहब की इज्जत की परवाह नहीं रही। इनको भी जाति मुफाद हासिल करना था, मेंबर बनना था नयापुरे से, इनको भी एमएलए बनना था, किसी को स्टैंडिंग चेयरमैन बनना था, किसी को मेयर बनना था, किसी को ठेकेदारी करना था, इसके लिए महागठबंधन इनका बना था। इनको कोई हक वक नहीं है। आज मुझे बताओ, इस नयापुरे की आवाम से मैं पूछना चाहता हूं, सवाल है मेरा, निहाल अहमद साहब, मैं पहले भी कहा, निहाल अहमद साहब शेख रशीद साहब की सियासी इख्तलाफ रहे, लेकिन जब अगर कोई बीमार हो जाता तो शेख रशीद साहब भी जाते थे और निहाल अहमद साहब भी पूछते थे। ये तमाम ही बातें चलती रही और होना चाहिए। निहाल अहमद साहब की सियासी जिंदगी के अंदर एमएलए साहब ने बेइज्जती की और ये पानी की टाकी वालों ने बेइज्जती की। बताया आपको, मैं उस बात का गवाह हूं। जावेद मेंबर यहां बैठा है, ये भी गवाह है उस बात का। ۲۰۰۹ में मेयर के इलेक्शन के बाद जब डिस्क्वालिफिकेशन मेंबरों का निहाल अहमद साहब ने डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के अंदर डाला, तो कमिश्नर की ऑफिस के अंदर निहाल अहमद साहब, साजदा निहाल अहमद साहिबा, शान हिंद, ये तमाम ही लोग मौजूद थे। ये पानी की टाकी के लोगों ने नंगी नंगी गालियां निहाल अहमद साहब को दी, बेइज्जती की। लेकिन आज ये रात को 12 बजे जा रहे हैं वहां पर और रात को 4:30 बजे वापस आ रहे, क्योंकि इनको एमएलए बनना है। उनको इज्जत का कोई ख्याल नहीं, कोई परवाह हुआ नहीं। किसकी भी बेइज्जती हो जाए,
इनको एमएलए सीट चाहिए, ये कौन सा सवाल? ताज्जुब है, हम क्यों बेदार नहीं हो रहे? और कुछ लोग मुझ पे इल्जाम लगाते, 12 नवंबर के वक्त तो बोले बोला नहीं, ये वक्त तो मैं बोले पार्टी छोड़ दिया। अरे किसकी तुम तरफदारी कर रहे है? किसकी तरफदारी कर रहे? तुम्हारे वालिद की बेइज्जती करने वालों की तरफदारी करोगे? शर्म आना चाहिए तुम लोगों को। हमारे से सवाल पूछने का तुमको कोई हक वक नहीं है? ये मुफ्ती साहब है, ये शहर के एमएलए है, ये वो लोग है समाजवादी के लोग, ये नयापुरे की आवाम, अब आपको फैसला करना है। ये मुझ पर इल्जाम लगाए कि शेख आसिफ पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ने के लिए 10 करोड़ के अंदर बात कर रहा था, अजीब बात है। मुफ्ती साहब आप आलिम हो, आप मुफ्ती हो, हम आपकी इज्जत करते हैं, आपके फतवे पे अमल होता है। जामा मस्जिद, नूरानी मस्जिद, गुरबैत मस्जिद, या जहां आप बोलेंगे, या कब्रस्तान, वहां पर शेख आसिफ हल्फिया बोलने के लिए तैयार है। शेख आसिफ ने किसी से कभी भी मुलाकात नहीं की, कभी भी मुलाकात नहीं की, कभी ये बात ही नहीं हुई। मैं बुक्कड़ है, मेरा परिवार बुक्कड़ है, माल है माल, अल्लाह का करम है, जमीन का बड़ा व्यापार है, धंधा व्यापार है, करोड़ों रुपए की जायदाद है। उस दम के ऊपर लड़ने की बात कर रहा था शेख आसिफ, या तो आप अल्फिया बता देना। नॉमिनेशन के 8 दिन पहले तुमने गिरीश महाजन साहब से नासिक के अंदर एक होटल में बैठक की थी या नहीं थी, या आप अल्फिया बता देना। पार्लियामेंट लड़ने के लिए तुमने 10 करोड़ मांगा था कि नहीं मांगा था, ये बता देना। ये हल्फिया न तो शेख आसिफ बताने के लिए तैयार है, आप ये बता दो कि प्रवेश कोकनी मालेगांव आया था या नहीं। प्रवेश कोकनी नाम ले रहा हूं, नासिक का बीजेपी का छोटा मोटा नेता है, वो दलाली करने आया था या नहीं, आपकी बैठक कराया था या नहीं, वोट परसेंटेज कम करने के लिए बता देना। और बहुत लोग हैं जो उम्मीदवारी के जो नाच रहे ना, इन्होंने भी बैठकें की थी बीजेपी से। शेख आसिफ अल्लाह का करम है, मैंने मजाक में इलेक्शन खत्म होने के बाद एक बीजेपी के लीडर से कहा, मतलब यार तुम सब लीडरों के पास गए कि तुम लड़ो तुम लड़ो, हम इतना देते उतना देते, मेरे पास क्यों नहीं आए? बोले तुम हिंदू वोट खा लेते थे, तुम ही छून के आ जाते थे, हमको ऐसा सक्सेस चाहिए था कि 50-25 हजार वोट खा ले, इसके लिए इनको ढूंढ रहे थे। बोले हम, बोले तुम छून के आ जाते थे इसलिए नहीं आए। तो उन्होंने भी तुम्हारा, उनके पास क्या इज्जत है तुम्हारी, कितना गिराव कितना वजन है, समझ गए? तो मुफ्ती इस्माइल साहब झूठ मत बोलो, शेख आसिफ हल्फिया बोलने के लिए तैयार है। पार्लियामेंट के इलेक्शन के वक्त मैं इसलिए बात यहां बोल रहा हूं कि जमीयत का दफ्तर भी यहां पर है। क्या इन्होंने कहा, शोभा बच्चाओ आई, मेमोरेंडम दी, फोटो सेशन हुआ, आमिर अयूबी तूने किया था ना भैया, उसके बाद
جمعیت کے طرف سے حمایت بلا شرط فی سبیل اللہ حمایت. مجھے تو شک ہے, معاف کرنا میں الزام نہیں لگا رہا ہوں, کہ جو جلسہ ہوا نا صبح بچاؤ کے پرچار کا جو جلسہ ہوا, مجھے شک ہے کہ جمعیت کے پیسے سے بل ادا ہوا ہوگا, کیونکہ پلیٹ فارم میں جمعیت کا چھونے تھے, اس کا بھی جواب دینا چاہیے. لیکن کیا ہوا, 200 پیٹی کے زائد پیسہ لیا گیا. ₹50,000 پر پیٹی کے حساب سے پیسہ لیا گیا. میرا سوال ہے ایم ایل اے صاحب کے ورکروں سے, ایم ایل اے صاحب کے ذمہ داروں سے, کیا آپ کے نام پر دھوکہ دیا گیا, جمعیت کو دھوکہ دیا گیا, شہر کی عوام کو دھوکہ دیا گیا اور پورا پیسہ کھا لیا گیا؟ وہ پیسہ کہاں گیا؟ ٹھیک ہے, صبح بچوں ابھی انکار کریں گے, مجھے معلوم ہے, اس کا لڑکا بھی انکار کرے گا, لیکن مستقیم ڈگنیٹی نے جو بولا تھا نا کہ کوئی پارسا نہیں ہے, سب نے پیٹی وائز پیسہ لیے, بالکل سچ بات ہے, میں اس کی بات سے سہمت ہوں, ہم نے بھی لیا, لیکن ورکروں کو, کارپوریٹروں کو, سابق کارپوریٹروں کو جہاں جہاں ہم کو ذمہ داری دی ہم نے وہاں پیسہ بانٹا, دھوکہ نہیں دیا, جیب کا لگایا. تم نے وہ پیسہ کیا کیا؟ تمہارے ورکروں کو کیوں نہیں ملا؟ تمہارے رکشہ کیوں نہیں لگی؟ وہ پیسہ کہاں گئے؟ جواب تم کو دینا پڑے گا. تمہارے فائدے کے لیے جمعیت کا بھی استعمال آپ کرتے ہو, یہ کون سی بات, اس کا جواب بھی آپ کو دینا پڑے گا. مجھ پہ الزام لگا رہے کہ میں بی جے پی کے ساتھ چلا جاؤں گا, واہ, کس نے بولنا مجھ کو, کس نے میرے پہ سوال اٹھانا؟ مفتی صاحب آپ, شہر کی عوام اور نیا پورے کی عوام سے میں بولنا چاہتا ہوں. اکتوبر الیکشن ہوا 19 میں, مفتی اسماعیل صاحب ایم ایل اے بنے. ضرور بھائی ذرا تم ریکارڈ کرو, تم پہچان جائیں گے. شکریہ کا جلسہ ہوا یا نہیں ہوا, چاندوڑ کا ایک ساگر نام کا ویکتی, کیا بول رہا ہوں میں, دیکھو یہ چون کر آئے کس سے, ایم آئی ایم سے, قوم ملت کے نام پر ووٹ لی, این آر سی کے نام پر ووٹ لیا گیا, مذہب کے نام پر ووٹ لیا گیا, اتنے جذبات میں لائے گئے, ووٹ لے لیے گئے ایم آئی ایم کے ایم ایل اے, دو ایم ایل اے چون کر ہے, دو, ایک فاروق شاہ صاحب اور یہ, مجھے فاروق شاہ کا نہیں پتا. ساگر نام کا انسان جو ایجنٹ ہے آج کے وزیر اعلی کا, یہ چون کر نئے نئے آئے, وہی اس شخص نے گاڑی لایا, گاڑی کے اندر بیٹھے, بیگ لے کر بیٹھے اور ممبئی کے ورلی, ممبئی کے ورلی جو سیلنگ ہے نا اس علاقے کے اندر, جب سیلنگ ختم ہوتا ہے ورلی کے سرکاری گیسٹ ہاؤس کے اندر 6 دن آپ وہاں پر تھے, کیوں تھے؟ سرکار تمہاری نہیں بن رہی تھی, تمہاری تو ادھر بھی سرکار نہیں بننے والی تھی, ادھر بھی نہیں بننے والی تھی, تم 6 دن آپ نے کیا کیا وہاں پر, اور ایک دن تم تھانے کی ہوٹل میں, ایک دن تم نے کیا کیا, ایسا 7 دن کا حساب یہ شہر کی عوام کو دو, 7 دن کا حساب دو آپ. اس وقت تو ادھو ٹھاکرے صاحب کا چیف منسٹر بننا فائنل نہیں تھا, آج کے وزیر اعلی کا چیف منسٹر بننے کی بات چیت چل رہی تھی, اس کے لیے ایم ایل اے کی کمی نہیں ہونا چاہیے, کوئی پارٹی بھاگ نہیں جانا چاہیے,
इन्होंने पहले दिन से शिवसेना के साथ में मिलकर सौदेबाजी शुरू की थी। उसी दिन ये शहर की आवाम का वोट बिक चुका था, आपको धोखा दिया गया था, आपकी वोटों का सौदा किया गया था, कौम को बेच दिया गया था। उसी दिन से आपकी बेचने की शुरुआत हुई ये शहर की आवाम की। इसका जवाब आप देना। उसके बाद वजीर आला बन गए उद्धव ठाकरे साहब। उसके बाद जब सरकार गिरने लगी, बात ध्यान रखो, जिस दिन शिंदे साहब ने एमएलए को लेकर भागा उस वक्त भी इनका सौदा किया गया, ये शहर की आवाम का सौदा किया गया, और उस वक्त भी इनको तटस्थ गैर जानिबदार रखा गया। इन्होंने उनके खिलाफ भी वोट नहीं किया, मुखालफत नहीं की, ये तटस्थ रहे। उस वक्त भी शहर की आवाम को बेचने का काम हुआ। उसी पीरियड में राज्यसभा के चुनाव हुए, उस वक्त भी इन्होंने कांग्रेस राष्ट्रवादी के उम्मीदवारों को वोट नहीं दिया। उस वक्त भी शिंदे सेना और बीजेपी को इन्होंने वोट दिया, उनके उम्मीदवारों को वोट दिया। उस वक्त भी यह शहर का सौदा किया गया। अभी 12 जुलाई को एमएलसी चुनाव के वक्त भी इन्होंने कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस उद्धव ठाकरे सेकप के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया, शिंदे और शिवसेना के लोगों को वोट दिया। उस वक्त भी सौदा किया गया। नयापुरे की आवाम भी हिसाब ले और इस शहर की आवाम भी अब हिसाब ले और फैसला करे, ये क्या है ये शहर में चल रहा है, कब तक ऐसा होगा। अल्लामा इकबाल पुल के ऊपर इस्तकबाल हो गया, मेरा ख्याल है 12 जुलाई को शाम को हुआ था, मैं या 13 को, क्या इस्तकबाल हुआ, क्यों हुआ। बिजली सब्सिडी बहाल हो गई, पावर की पावर लूम के ऊपर जो सब्सिडी बहाल हुई कुछ 1 रुपया यूनिट कुछ, इस्तकबाल हो गया, मीडिया में आ गया, फटाका फूट गया। बुनकर भाइयों मेरा तुमसे सवाल है, बताओ अभी जो बिल आई उसमें क्या आपको सब्सिडी मिली क्या? नहीं मिली। सब्सिडी नहीं आई, बुनकरों को धोखा देने का काम किया गया शहर को। ये कौन पूछेगा, कौन सवाल उठाएगा, क्या मकसद था तीसरा मास का, क्या मकसद था शहर के अंदर तीसरा शख्स चाहिए, तीसरा लीडर चाहिए। मकसद से शहर भटक चुका, एमएलए साहब भटक चुके, और इन्होंने अपने मुफाद के लिए हमेशा सियासत की और आप लोगों का शहर की आवाम का इस्तेमाल किया, वोट लिया, ओदों पे रहे, अपना फायदा किया, शहर को कुछ नहीं मिला। अब इलेक्शन आ रहा है तो ये मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, ये विकास और डेवलप पे बात नहीं करेंगे, ये तामीर और तरक्की पे बात नहीं करेंगे, बस गाली इधर उधर उनकी जाएगी, रास्ते से उतर के बात करेंगे। शुरू कर दिया उन्होंने, मुझे उसके ऊपर कुछ बोलना नहीं है, शहर की आवाम बहुत समझदार है। मैं आज नयापुरे की आवाम से अपील करने के लिए आया हूं, आज मैं शहर की आवाम से अपील करने के लिए आया हूं, आप ईमानदारी से सोचिए, समझिए, आप अकेले मत 4 लोग को लेकर बैठिए, और 2007 के पास से आज तक आप अच्छी से सोच समझ कर फैसला करिए। अगर शहर का कुछ अच्छा हुआ होगा तो आप फैसला ले लेना। मेरा 5 साल आप लोगों ने देखा, 5 साल आप लोगों ने मेरा 14 से 19 तक देखा, यही लोग मेरे साथ थे, अल्लाह का करम है छोड़कर मुझको नहीं गए। कुछ देखा होगा, मेरे पास तो इख्तदार नहीं, मेयर नहीं, एमएलए नहीं, कोई सत्ता नहीं, उसके बाद ये लोग आज अल्लाह का करम है मेरे साथ क्यों खड़े हैं
इसके ऊपर भी तुमको सोचना चाहिए। कुछ लोग हैं जिनको जाति मुफाद रहे तो जाते हैं, लेकिन ये क्यों नहीं गए, कुछ तो सोचा होगा। चाहे साइजिंग की बात हो, पावर लूम लूम की बात हो, सब्सिडी की बात हो, पॉलिसी के ऊपर बोलना हो, कौम मिल्लत के लिए आवाज उठाना हो, मुस्लिम मसाइल के ऊपर आवाज उठाना हो। मेरा 5 साल भी आप लोगों ने देखा, मैं अपील करता हूं एक मर्तबा मुझको दोबारा आप मौका दें, आने वाले असेंबली इलेक्शन के अंदर एक मौका आप दो। यकीन जानो, मैंने कभी भी बुनकर भाइयों के साथ भेदभाव नहीं किया। जो काम मेरे पास लेकर आए वो काम मैंने किया हूं, चाहे पावर बिल का हो, कंपनी का हो, साइजिंग का हो, पुलिस स्टेशन का हो, तामा काटे का हो, मार्केट का हो, तमाम ही काम मैंने किया, कोई भेदभाव नहीं किया। मैं आप वादा करता हूं आइंदा भी कोई भेदभाव नहीं करूंगा, आपको साथ लेकर चलूंगा। वापस मौका दो, ठीक है 19 के अंदर जो हुआ जाने दो, भुला जाओ, लेकिन ये शहर को सही रास्ते पर लाना है, शहर का डेवलप करना है, शहर का विकास करना है, टेक्सटाइल अच्छी पॉलिसी बनना चाहिए, मुस्लिम मसाइल पे बात होना चाहिए, इसके लिए आप मुझको चुनकर दो। आज मुझे बताइए, हमारा एक घर होता है, मैं बस 2 मिनट मेरी बात खत्म करूंगा, हमारा एक घर होता है, 4 भाई होते हैं, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, शादी होती है, परिवार बढ़ता है, घर में जगह कम होती है, मां बाप अलग कर देते हैं, दूसरा घर बनता है। आज हमारा शहर इतना कंजेस्टेड हो गया, भैया 1 मिनट, हेलो 1-2 मिनट के लिए आवाज मत करो, हमारा शहर कंजेस्टेड हो गया। आज पावर लूम नए कारखाने बनाने के लिए जमीनें नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूं सुन लीजिए मेरी बात, आज नई साइजिंग डालने के लिए जमीनें नहीं है शहर में, आज प्लास्टिक कारखाना डालने के लिए जमीनें नहीं है, आज छोटा मोटा धंधा व्यापार करने के लिए गोडाउन नहीं है, आज घर बनाने के लिए अब जमीनें खत्म हो रही है, आज हमारे पास जमीनें आप नहीं बची, हम कहां जाएंगे, नदी के उधर समकशेर में तो नहीं जाएंगे, सोए गांव में तो नहीं जाएंगे, कैंपों में तो नहीं जाएंगे ना, हम आज मालदा में भी भर गया, दयना भी फूल हो गया, हमको जाना है 40 गांव फाटा इस साइड जाना पड़ेगा। आज अपने बच्चों के फ्यूचर का सोचो, आज अपने कारोबारी हालात का सोचो। मुझे बताइए MIDC क्यों फेल की गई, किसके वक्त में हुआ ये काम, साइना MIDC क्यों फेल की गई, किसके वक्त में हुआ, 500 एकड़ एक्वायर की गई थी, 500 एकड़ जमीन एक्वायर थी, जब मैंने MLA मेरा वक्त खत्म हुआ उस वक्त 500 एकड़ जमीन एक्वायर थी, MIDC ने एक्वायर की थी, ठप्पा आता था, जाके मालूमात लो, शेतकरियों के उतारे के ऊपर भी ठप्पा आता था MIDC का, मालूमात लीजिए, ठप्पा कब हटा, जब अजंग वलेल के अंदर MIDC चली गई और ये MIDC को फेल करने का काम किया गया। क्यों किया गया, MIDC वही होती जहां नेशनल हाईवे होता, MIDC वही होती जब पानी होता, MIDC वही होती जब पावर होता, ट्रांसपोर्टिंग होती, वहीं पे MIDC सक्सेस होती, और यही सही जगह थी। मुझे बताओ नेशनल हाईवे नंबर 3 का जंग में है, वहां पे मजदूर मिलेगा, वहां पे पानी मिलेगा, हमारे शहर की तरक्की को रोकने का काम ये 5 साल के अंदर किया गया, किसने आवाज उठाया, क्यों MIDC खत्म कर की गई, क्यों नितेश राणे ये बोल रहा है बहुत बड़ी साजिश है कि लैंड जिहाद चल रहा है, क्यों बोल रहा है, मुझे बताइए, अब मेरा सवाल है आज मेरा आप लोगों से, क्यों बोल रहा है, इसलिए बोल रहा है कि मुसलमान 40 गांव फाटे के ऊपर जमीन लेना बंद कर दे, लेआउट वहां पर ना हो, लेआउट की मंजूरी ना मिले, गोंटे वाली जमीन के ऊपर लोग घर ना बनाए,
हमारी तरक्की को रोकने के लिए साजिश रची जा रही है। 5 साल में एमएलए साहब ने एक उसका जवाब दिया क्या? लैंड जियाद, लौह जियाद, इंक्वायरी शुरू हो गई, आदेश आए, गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई, कलेक्टर की क्यादत में कमेटी काम कर रही, इंक्वायरी कर रही। आज मुझे बताओ, सब चीज खत्म होती चली जा रही है, सब चीज खत्म होती चली जा रही है। यह हमारे शहर को बर्बाद करने का काम ये शहर के अंदर किया जा रहा है और इनकी जिम्मेदारी एमएलए साहब पर भी आती है। अगर दूसरा एमएलए ऐसा कर रहा है तो इनको रोकने का काम इनकी जिम्मेदारी थी, इन्होंने नहीं किया, ये नाकाम हो गए। अब आपको सोचना है कि कारोबारी हालात कहां जाएंगे, हमारे कारोबार कैसे बढ़ेंगे। ये जिम्मेदारी हमारी है, तुम्हारी है, शहर की आवाम की है। कौन लड़ेगा, कौन बोलेगा असेंबली में, कौन कानून बनाएगा, कौन वहां पर आपके लिए आवाज उठाएगा? मुझे तजुर्बा है 5 साल का, अल्लाह का करम है और मैं ईमानदारी से 5 साल पूरा किया। अगर आप लोगों ने मौका दिया, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो 5 साल का तजुर्बा, ये 5 साल का पोजीशन में रहने का तजुर्बा और आइंदा अगर आपने मौका दिया तो इंशाअल्लाह जबरदस्त तरीके से आपकी और शहर की नुमाइंदगी करूंगा और सबको साथ लेकर चलूंगा। ये वादा आज मैं आप लोगों से करता हूं और मुझे उम्मीद है इस मर्तबा कि शहर की आवाम मुझको कबूल करेंगी और मुझे मौका देंगे आप लोग। दोस्तों, मैं एकदम साफ तौर पर आज बोलना चाहता हूं, मुझसे कोई सवाल जवाब और शक की नजर से मुझे देखने की मुफ्ती साहब आप कोशिश मत करो और आप लोग कोई कोशिश मत करो। 5 साल तुम बीजेपी से मैनेज रहे, 5 साल तुम शिवसेना से मैनेज रहे, मैंने आजाद इलेक्शन लड़ने का फैसला किया हूं तो मैं आज जिम्मेदारी से बोलता हूं, शेख आसिफ सेकुलर हुकूमत जिधर रहेगी अगर वो साथ लेंगे तो उधर रहेगा, अगर चुनकर आया तो, अगर आपने मौका दिया तो फिरका परस हुकूमत में नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा। और अगर किसी ने नहीं लिया, मुझे किसी का प्रेशर नहीं चाहिए, कोई पार्टी का आदेश नहीं चाहिए, कोई पार्टी की पॉलिसी पे काम नहीं करना है, मुझे कौम के लिए लड़ना है, झगड़ना है और इसके लिए मैं आजाद रहना चाहता हूं। मैं किसी के दबाव में काम नहीं मुझे करना है। पार्टी के पॉलिसी में जलसा लूंगा तो सब बताऊंगा, सबके चेहरे बहुत अच्छे अच्छे नहीं है, सबके चेहरे बहुत अच्छे नहीं, घिनौने अंदर से। मुझे बताओ, वक्फ बोर्ड का मामला चल रहा, जहां पे ये मीटिंग हो रही ये भी वक्फ बोर्ड में, बराबर ना? मरकजी हुकूमत ने काला कानून लाई, वक्फ बोर्ड के लिए काला कानून बना रही। पता है ये 5 साल किसका चेयरमैन था महाराष्ट्र में? कांग्रेस पार्टी का वजाद मिर्जा चेयरमैन था, वजाद मिर्जा कांग्रेस पार्टी का चेयरमैन था। अभी 8 दिन 10 दिन हुआ उसकी मुद्दत खत्म हुई, 5 साल मुसलमानों की जमीनों के ऊपर जो अत्याचार किया गया, जो ठहराव पास करके मुसलमानों की जमीनें को बेचने का काम किया गया, सबने मिलकर किया, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे सबने मिलकर किया, सबने मिलकर किया, करोड़ों का वारे नारे किए। आज जवान खुल रही है क्या? वक्त आएंगे तो बोलूंगा, लेकिन मैं जिम्मेदारी से बोलता हूं, एक मर्तबा मौका दो दोस्तों, बार बार मौके नहीं आपके हाथ आने वाले। ठीक है, 5 साल नाकाम हो गया, बदल देना, 19 में नई जमा बदल दिए, एक मौका दो, नई जमा बदल देना, लेकिन एक मौका देकर देखो। इंशाल्लाह ये महाराष्ट्र की नुमाइंदगी अगर आपका नुमाइंदे नहीं किया तो मैं, आप जो सजा देंगे मैं मुकदमे के लिए तैयार हूं। मुझे उम्मीद है कि मेरी बातों पर नयापुरी की आवाम संजीदगी से गौर करेंगी, फिक्र करेंगी, सोचेंगी और शहर की आवाम सोचेंगी और आने वाले दिनों के अंदर अच्छा फैसला करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।